आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक का फैसला आ गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की। रेपो रेट से लेकर ब्याज दरों तक आम आदमी से जुड़ी कई बड़ी बातें रही, आइए जानते हैं। पहला, आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, अभी भी ब्याज दर 6.5% पर ही स्थिर है। दूसरा, एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों का दरें स्थिर रखने के पक्ष में वोट आया था। तीसरा, एमपीसी के सर्वसम्मति से पॉलिसी रुख बदलकर न्यूट्रल किया गया। चौथा, दूसरी तिमाही में जीडीपी और महंगाई के अनुमान घटाए गए। पांचवा, अनसिक्योर्ड लोन पर इस बार कड़ी नजर रखी गई। छठा, एनबीएफसी के अनाप शनाप ग्रोथ पर चिंता जताई गई और आगाह किया गया। सातवा, नॉन बिजनेस फ्लोटिंग लोन प्री पेमेंट पर पेनल्टी नहीं लगेगी। आठवा बदलाव, फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार है, सीपीआई अनुमान 4.5% पर कायम रहा। नौवा, Q3 Q4 में जीडीपी अनुमान 7.3% से बढ़कर 7.4% पर रखा गया। दसवा और आखिरी, फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में सीपीआई अनुमान 4.3% से घटकर 4.2% पर रहा। आरबीआई गवर्नर की बड़ी अनाउंसमेंट्स के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। आगे मार्केट का क्या हाल रहेगा, देखने के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।